अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों ये सुपो सर्वो मोटर का कार्ड है, ड्रग ड्राइव सर्वो मोटर है। ये ओवरलॉक यानी फोर थ्रेड मशीन के अंदर है ये लगाया गया है। तो इसके अंदर जनाब ऑटो ट्रिमर भी है, ऑटो फुट लिफ्टर भी है, और इसके अंदर कुछ सेंसर लगे हुए हैं जिसके अंदर वो हम पीस को नीचे रखते हैं और वो फैब्रिक जो है ना, मतलब जब नीचे आता है तो मशीन ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है। इस तरह करके फिर जो इसकी बैक साइड पे कुछ उन्होंने सेंसर लगाए हैं, जो पीस बाहर निकलता है तो धागा ऑटोमेटिक ये काट देती है। इसके अंदर इशू क्या आया था, पहले उस इशू को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर इशू ये आया था कि इसके अंदर R7 आ रहा था। R7 जो है वो किस वजह से आ रहा था, इसके अंदर ये FAN 73-892 ठीक हो गया, ये लगा हुआ है। एक तो ये इसका शॉर्ट था, इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये कपलर भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फिर नीचे इसके ये एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, ये कपलर है, ठीक है, PC 817, और ये है ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। ये भी शॉर्ट था, ये तीनों चीज़ें शॉर्ट थी जिसकी वजह से ये R7 दे रहा था। R7 जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से आता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जी, ये FET भी हमने चेंज किए हुए हैं। जब ये ब्लास्टिंग होती है तो उसके अंदर फिर FET भी शॉर्ट होते हैं, ये देख रहे हैं जी, FET हमने चेंज किए हुए हैं, FET भी शॉर्ट होते हैं, 73-892 भी शॉर्ट हो जाता है। ये इस तरह भी कपलर आपने देखा, कपलर भी चेंज हुआ है, कपलर भी शॉर्ट हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाता है। जब ब्लास्टिंग होती है तो फिर आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर चेक करना पड़ती है, ठीक हो गया। तो हमने इसको सारी चीज़ों को चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारा R7 जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक हो गया। तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बाकी ये देख रहे हैं जी, इसके अंदर ये ऑटो मशीन है, उन्होंने इसके अंदर और भी ये देखें जी कब सारे फंक्शन रखे हुए हैं। ये इसका जी पैडल का कार्ड है, ये हमारी जो ऑटो सर्वो है सुपो, उसका ये कार्ड भी है पैडल का। और जो पैडल का कार्ड है जी, उसके अंदर ये आप देख रहे हैं जी, उसके अंदर क्या क्या इशू आते हैं वो भी साथ आपको गाइड कर देते हैं कि इनको कैसे हल किया जाता है, ठीक हो गया। इसके अंदर मसला एक यह था जी कि ये आप देख रहे हैं जी, इसके अंदर ये एक IC लगा हुआ है। ये जो IC है जनाब, अक्सर ये शार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। इसका नंबर ऊपर लिखा हुआ है, गौर से देख लें, ये अक्सर इसका IC शार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये हम जब इसको चलाते हैं तो मशीन आहिस्ता 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 स्लो स्लो चलना शुरू कर देती है, ये रुकती नहीं है। या फिर ऐसा होता है कि मशीन जब हम ऑन करते हैं एक बार से जनाब वो भागना शुरू कर देती है स्पीड के साथ, ठीक हो गया। जब ये स्पीड के साथ भागती है तो इसका ये IC शॉर्ट हो जाता है। जब इसका ये IC शॉर्ट होता है तो इसके साथ एक ट्रांजिस्टर भी लगा होता है, वो हम उतार देते हैं। इसका सेंसर बहुत कम ख़राब होता है, शायद वो नज़र ख़राब होता है, अगर हो भी जाए तो ये हम इसके अंदर इसको रिप्लेस करके चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। इसके अंदर जनाब ये देख लीजिए, ये जो IC लगा है, ये IC, ये हमने IC जब चेंज किया तो उसके बाद ये ट्रांजिस्टर आपने उतार देना, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। जब ये शॉर्ट होता है तो अगर नया IC दम लगाएंगे उसको नहीं उतारेंगे तो ये फिर उसे शॉर्ट कर देगा, ठीक हो गया। इस ट्रांजिस्टर को हम उतार के फेंक देंगे, ये देखेंगे ये हमने इसे उतार दिया, अब हम इसके बगैर इसे चलाएंगे और ये हमारा पैडल बेहतरीन चलेगा, ठीक हो गया। अभी इस पैडल के अंदर भी यही मसला था, जब ब्लास्टिंग हुई थी तो पैडल भी शॉर्ट हो गया था, इसका IC जो है वो शॉर्ट था, तो IC हमने रिप्लेस कर दिया है। ये IC आप देखेंगे जी कि ये जो सुपो सर्वो मोटरों के कार्ड होते हैं ये उनके अंदर भी लगा होता है। ये IC आसानी से मिल सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ से परचेज़ करते हैं। अभी मैं कोशिश करूं कि आप लोगों को पार्ट्स की डिलीवरी भी दूं, जिस दोस्त को पार्ट्स चाहिए होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको पार्ट्स प्रोवाइड करूं, ठीक होगा। जिसको जो जो चीज़ चाहिए, मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने वो दिया हुआ है इसके अंदर YouTube पर, तो वहां से ले सकते हैं। जिसको जो पार्ट्स चाहिए वो मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करूँगा। अभी हम ये कार्ड की तरफ चलते हैं जी, ये देखें, ये कार्ड के अंदर है कुछ चीज़ें, मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा भी लगाई हुई है, ये आम सर्वो मोटर की तरह नहीं है। जिस तरह जी ये इसके अंदर सेंसरों को ऑपरेट करवाना, यानी इसका कटर को ऑपरेट करवाना कि किस वक्त कटर ने ऑपरेट करना है किस वक्त नहीं करना, ये चीज़ें हैं, ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं जी, ये इसके अंदर कटर का जैक लगा हुआ है,
जो इसका ऑटोमेटिक पीस बाहर निकलते ही कटर जो है चल जाता है, धागा काट देती है, ठीक हो गया। फुट का जैक बना हुआ है इसके अंदर। तो ये सारी मतलब मैं ये पहले भी इस चीज़ पे काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ये देख रहे हैं जी, ये इतना हिस्सा जो ये सारे का सारा ये ऑटो फुट लिफ्टर ऑटो कटर है जिसके अंदर सेंसर्स हैं, ये उनका मतलब सारा ये हिस्सा है जिसके अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर कुछ चीज़ ख़राब आती है या कोई मसला आता है तो इसी हिस्से को हम चेक करेंगे, हमारा यहीं से मसला हल हो जाएगा।